लगे रहो भाई, लगे रहो। सुप्रभात, नमस्ते। हमारा आपके साथ एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब अपने रूम पे जा रहे हैं। तू फिर लग गया सवेरे सवेरे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। अच्छे रख डूब जो आ जाओ ना। बस ठीक है, चलिए बाय। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, ओके, पहुंचो अपने रूम पे जल्दी से। तैयारी कर लेते हैं भाई। अभी टाइम हो गया है 8:40। मैच खुली रहेगी अपनी 9 बजे तक, तो खाने की तैयारी कर लेते हैं। चलो भाई खाना खा लेते हैं। ठंड में पूरी पीनी है हमें चाय, फुल गिलास। लो भाई, आज के दिन पहुंच गए हैं फिर से डिपार्टमेंट। बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं इसलिए डिपार्टमेंट सुना है। एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ही, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग है ना, बच्चों बिना कुछ नहीं है। बच्चे हैं तो सब है, नहीं तो सब सन्नाटा ही सन्नाटा। ले कौन करता है? आज कौन करता है भाई? लगे रहो। साहिल रोए लगा, अभी नंबर लग चुका है भाई ब्लड डोनेशन में। आराम से दिए भाई, कोई दिक्कत हो बता दियो बीच में ही। डिपार्टमेंट में भाई काम पूरा हो चुका है। अशोक को छोड़ना है, अशोक सर को छोड़ना है यहाँ पे, सर के पास, क्योंकि सर को लेके जाएंगे अभी गाड़ी पे, और मैं जाऊँगा अकेला हॉस्टल बाइक पे। ताकत वाला जिम्मेदारी का काम बाइक का चलाने का मेरे पास सौंपा डॉक्टर साहब ने आज। हॉस्टल की नगरी में पहुंच गया मैं, तू अभी शाम के टाइम हुआ है 5:30। अभी थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज। ओके, टाइम हो गया भाई रात के खाने का, डिनर का। प्रधान जी को ले लिया अपने साथ। चलो खाना खा लेते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। क्या सुखा आज? मैं इसके अंदर बने हैं भाई गुलाब जामुन, आलू की गोभी की सब्जी। मैनेजर साहब खड़े हैं भाई, खाना खा के भाई यूनिवर्सिटी की सैर करने निकल लिए थे। साथ में प्रधान जी हमारे, थोड़ा खाना खा के टहल लेते हैं। ठंड तो है पर अब ठंड नहीं लग रही। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, घूमो फिरोगे, ठंड नहीं लगती। ठंड को भगाने का इकलौता साधन है एक्सरसाइज और फ्री का धुआं। आज हमारे साथ है तिल के लड्डू और प्रधान जी। कल डॉक्टर राजेश ने लड्डू दिए थे तिल के, तो बच गए थे 2। एक एक हमने, मैंने और प्रधान जी ने खा लिया। तो तिल के लड्डू के साथ करते हैं आज के व्लॉग का समापन। मिलते हैं एक बार फिर से नए व्लॉग में ब्रेक के बाद।